चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तर छह अंतरंग तत्व कथम अभ्यंतर छह अंतरंग तत्व में अभ्यंतर पना कैसे है मनो नियमनार्थ क्योंकि मन को वश में करने के लिए ये अंतरंग तप किए जाते हैं इसलिए यह अंतरंग है। पहले अध्ययन में कहा था आचार्य अपेंक भट्ट ने कि वाचिक और कायिक प्रवृत्ति बहिरंग प्रवृत्ति है और मनोवृत्ति जो है वो अंतरंग है। तो जो छह तप है वो बाह्य तप है और ये जो छह है वो अंतरंग है। प्रमाद दोष परिहार प्रायश्चित प्रमाद से हुए दोष का परिहार करना प्रायश्चित है। पूज्येष्वादर विनय पूज्य जनों में आदर विनय है। काय चेष्टया द्रव्यांतरेण चोपासन वैयक्तिक अपने शरीर की चेष्टा द्वारा अथवा अन्य किसी पदार्थ के माध्यम से किसी द्रव्यांतर से सेवा करना वैयावृत्ति है। ज्ञान भावना लस्य त्याग स्वाध्याय ज्ञान की भावना करना अर्थात अभ्यास करना और आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय है। इसका अर्थ ऐसा भी घटित होता है कि ज्ञानाभ्यास पूर्वक आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय। आत्मात्मीय संकल्प त्यागो विसर्ग मैं मेरा इस तरह के संकल्प का त्याग कर देना विसर्ग तप। चित्त विक्षेप त्याग ध्यानम मन के राग द्वेष का त्याग कर देना अर्थात मन की अस्थिरता का चंचलता का त्याग कर देना ध्यान। आचार्य कुचपर स्वामी बड़ी सुंदर परिभाषाएं बताते हैं कम शब्दों में पूरा उसका निचोड़ आ जाता है। स्वाध्याय की ऐसी परिभाषा कहाँ मिली है ज्ञानाभ्यास पूर्वक आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय। तब भेद प्रतिपादनात्मक और अंतरंग तत्व के भेदों का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य एक सूत्र कहते हैं नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथा क्रमेण प्राप्त ध्यानात् यथाक्रम मतलब जो क्रम ऊपर है सूत्र में उसमें सबसे पहले प्रायश्चित है तो फिर उसके नौ भेद फिर दूसरे क्रमांक पर विनय है उसके चतुर है चार भेद फिर तीसरे क्रमांक पर वैयावृत्त है उसके दस भेद हैं फिर स्वाध्याय है तो स्वाध्याय के पांच भेद हैं
फिर व्युत्सर्ग है, व्युत्सर्ग के दो भेद हैं। ध्यान छूट गया तो आचार्य कहते हैं प्राग ध्यान, ध्यान के पहले तक ये विभाजन है, ध्यान का अलग से वर्णन करेंगे, क्योंकि ध्यान सबसे प्रधान है। जैसे शरीर में शीर्ष प्रधान करता सिर पूरा पूरा, यहाँ पांचों इंद्रियों होती, बाकी नीचे पूरी एक ही इंद्रिय होती, यहाँ पर पांचों इंद्रिय होती, ये प्रधान होता है। जैसे वृक्ष में मूल प्रधान होता, और जैसे व्रतों में अहिंसा प्रधान होता है, वैसे ही तप में ध्यान प्रधान होता है, क्योंकि ध्यान मोक्ष का साक्षात्कार है। और स्वाध्याय को परम तप इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वाध्याय ही ध्यान में पहुंचाता है। ध्यान में साधक होने से स्वाध्याय परम तप है, क्योंकि ध्यान जिसका करना है उसका उसकी पहचान स्वाध्याय से होती है। बाह्याभ्यंतर भेदेन द्वादशेक तपो विधौ अज्ञान प्रतिपक्षित्वात् स्वाध्याय परम तप। ये चौथी लाइन तो सब लोग बोलते हैं स्वाध्याय परम तप, तो पूरा श्लोक ये है हरिवंश पुराण में दिया जिनसे नाचर उन्होंने कि बाह्य और अभ्यंतर के भेद से तप दो प्रकार का है, लेकिन सब मिलाकर 12 भेद हो जाते हैं तप, 6 बाह्य तो 6 अंतरंग। तो इन 12 तप के अनुष्ठान में एक तप ऐसा है जो अज्ञान को नष्ट करता है, और वो है स्वाध्याय। इससे स्वाध्याय परम तप। किसका ध्यान करना ये पता नहीं है, तो पता न होने के कारण ध्येय के विषय में अज्ञान कहलाए। तो ध्येय संबंधी अज्ञान को स्वाध्याय दूर करता है, और फिर ध्यान ध्येय को ध्याता है, और ध्यान करने वाला केवल ज्ञान को पाता है। ऐसा आद्य भेद स्वरूप निर्जीनार्थम प्रायश्चित के 9 भेदों का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहार उपस्थापना हो। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना तत्व इन 9 में गुरवे प्रमाद निवेदन दश दोष विवर्जित आलोचन। गुरु के लिए अपने से जो प्रमाद हुआ है उसका निवेदन करना कि गुरु मेरे से ऐसा प्रमाद हुआ, लेकिन निवेदन करते समय वो निवेदन 10 दोषों से रहित हो। आलोचना के 10 दोष होता है, कभी अपन दोष बताते हैं गुरु को, लेकिन बताते बताते कुछ गलतियां हो जाती है, तो वो 10 दोष बताए हैं आलोचना के, उससे रहित दोषों का निवेदन करना कि आलोचना नाम का प्रायश्चित है। फिर मिथ्या दुष्कृता विधान अभिव्यक्त प्रतिक्रिया प्रतिक्रमण, गलती होने के बाद एकदम अंदर से आवाज आती है, अपन मुख से भी निकल आता है तस्मिच्छामि दुःखं,
जब जब ये तत्समीक्षा में दुखड़ आता है, समझ लेना कि ये प्रतिक्रमण है। फिर भी ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान के शिष्यों के लिए और महावीर स्वामी के शिष्यों के लिए एक आदेश है कि दोष अपनी जानकारी में आए या ना आए, आपको प्रतिक्रमण एक समय पर करना ही होगा। और बाकी तीर्थंकरों के शिष्यों के लिए यह था आदेश कि जैसे ही दोष ख्याल में आ जाए, तत्समीक्षा में दुखड़न ये प्रतिक्रमण कर लेते। लेकिन यहाँ पर आपको सुबह शाम और पूरे सात प्रकार के जो प्रतिक्रमण बताए हैं, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ईर्ष्यापद प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, इसको औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण भी कहते हैं, सात प्रकार के प्रतिक्रमण। और एक प्रतिक्रमण युग प्रतिक्रमण भी होता है, पांच वर्ष में सारे साधु एकत्रित होकर के मिल के प्रतिक्रमण करते हैं। आप कहोगे कि हम तो नहीं देख रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नसीब की बात है। युग प्रतिक्रमण सब संघ के साधु एकत्रित होकर के करते हैं। एक संघ के अलग अलग साधु इकट्ठा हो जाए साधारण बात, एक आचार्य के शिष्य तो वो तो सब एक आचार्य के सानिध्य में प्रतिक्रमण कर ही लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन जो पांच वर्ष में सारे संघ इकट्ठा होकर के करते हैं वो प्रतिक्रमण करें, उसका उल्लेख भी मूलाचार में। और फिर मूलाचार में कितने प्रतिक्रमण है, जब कोई बाहर से कोई साधु आते हैं तब आचार्य पूछते हैं कितने प्रतिक्रमण किए हैं, तब उनको ये बताना होता है कि इतने हैं। पांच वर्ष का एक युग होता है तो वो युग प्रतिक्रमण कहलाता है, तो उसकी गिनती बताने पड़ती है। मेरे चार प्रतिक्रमण हुए, यानी मेरी दीक्षा 20 वर्ष की हो गई, ये उसका ऐसा होता है। जिससे दोष हुआ है तस उस में मेरा दुक्कड़ दुष्कृत मिथ्या हो, तस्य तस्य में मन जिससे दोष हुआ उसका अर्थात मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो का अर्थ होता है निष्फल, निष्फल होता है कि मैं जो प्रायश्चित कर रहा हूँ उससे वो निर्जीन हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की, गलती तो की लेकिन गलती की प्रतिक्रिया अपने अंदर क्या हो, बस समीक्षा में बताओ, इसका नाम प्रतिक्रिया। तदुभय संसार के सती विशोधना तदुभय, कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसमें आलोचना और प्रतिक्रिया दोनों जरूरी है, तब दोष दूर होता है। इन सब दोषों का वर्णन भी आया शास्त्र में, कौन से दोषों के लिए आलोचना की जाती है, कौन से दोषों के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, कौन से दोषों के लिए उभय अर्थात दोनों किया जाता है। फिर संसक्तान्नपान उपकरणादि विभजन विवेकम, जिस उपकरण या जिस अन्नपान के प्रति संसक्त हो गया अपना मन, आसक्ति आ गई, थोड़ी लगाव हो गया, और लगाव होने के कारण आर्त ध्यान हो गया, यानी अपना जो धर्म ध्यान था वो छूट गया, दुर्ध्यान होने लगा। तो फिर आचार्य कहते हैं कि उस वस्तु का त्याग करना,
पीछे के कारण अगर राग द्वेष हो रहा है तुम्हें, तो फिर ये पिच्छी हमें दे दो, हम तुम्हें दूसरे पिच्छी देते हैं, साधारण से पिच्छी दे रहे, और इसका एक सप्ताह तक इस पिच्छी से काम कर, तो एक सप्ताह के लिए उनको दे देते हैं, फिर कभी 15 दिन के लिए भी दे देते, जितना उनके अंदर कषाय हुई होगी उसकी मात्रा के अनुसार वो प्रायश्चित की अवधि निश्चित कर लेते हैं। आचार्य बड़े विवेकी होते हैं, वो जानते हैं कि कितना डोज चाहिए दवाई का, इस तरह से कर देते हैं, कभी एक महीने के लिए भी कर देते हैं। फिर जब उनको हमारे एकदम बोल जाता है कि अरे कुछ नहीं कहेगा, पर मार्जन ही तो करना है, इसमें क्या होता है, वहाँ से सब छोड़ करके यहाँ आए और यहाँ इसमें फंस रहे हैं, नहीं इसमें फंसने की आवश्यकता, ये प्रायश्चित से ये पूर्व संस्कार आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एकदम आए और भगवान बन गए सीधे, अरे बहुत बड़ा काम है, तो बीच में बहुत सारे पुरानी चीज़ें आती हैं, स्वप्न में भी कई चीज़ें, कई बार पुराने घर और पुराने संबंधी जन दिखते हैं, सबका शोधन करते 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 धीरे धीरे, कई बार बोलते हैं कि अगर संलेखना करनी हो अच्छे से कम 12 वर्ष पहले दीक्षा लें, तो 12 वर्ष पहले दीक्षा लेने से क्या होगा, आपको अभ्यास होगा साधु जीवन में, आप तुरंत लोगे 10 दिन पहले मान लो आपने दीक्षा ली संलेखन, तो फिर आपके ऊपर कौन से संस्कारों का भार अधिक रहेगा सोचो, क्योंकि घर गृहस्थी के मुंह मोहजाल मायाजाल का सब बढ़ेगा, तो आप अगर 12 साल यहाँ रह करके बिल्कुल अच्छे से अपना मन निर्माण, ठीक है संघ में जो जिनको जो करना है अलग अलग उम्र के साधु होते हैं, तो ये आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनका जो लक्ष्य होगा वो कर रहे हैं, अपना अपना लक्ष्य था, और एकदम निर्मल मन से अगर कर लिए तो फिर बहुत अच्छा होगा, 12 अगर नहीं कर पाए तो 10 कर लो, 10 नहीं कर पाए तो 5, कुछ वर्ष देना अच्छा है, मतलब अपने लिए अच्छा है, नहीं तो 1 वर्ष की भी अवधि अगर मान लो किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी प्रतिकूल है तो फिर अपने जानते नहीं है कि कब क्या होने वाला है, फिर कैसे पता करें, तो उसके लिए आचार्य के पास ग्रंथ होते हैं, कुछ रहस्य ग्रंथ होते हैं, मरण ग्रंथ दिए गए कि उसमें कई संकेत दिए हुए कब मृत्यु होने वाली, अगर ये चिन्ह दिख रहा है तो समझ लो कि 6 महीने बचे उसके, और ये चिन्ह दिख रहा है तो फिर 1 साल बचा है, ऐसे कुछ ग्रंथ भी हैं, तो उससे समझ में आता तो कुछ साधना करनी होती है। तो जो निर्यापक महाराज जी रहते हैं जो समाधि मरण करवाते हैं, उनको ये ज्ञान रहता होगा इनका क्या, जिनकी बिल्कुल निश्चित निर्यापक आचार्य कहलाते हैं, संलेखना वाले निर्यापक आचार्य अलग होते हैं, वैसे तो निर्यापक 36 गुरु में से एक गुण भी है, आचार्य के जो 36 गुरु थे उसमें जो प्रथम 8 गुण हैं उनमें निर्यापक गुण, एक गुण निर्यापक, दूसरा एक निर्वापक गुण, एक आचारवान आधारवान, ऐसे 8 प्रधान गुण होते हैं आचार्य, 10 स्थितिकल्प होते हैं, 12 तप होते हैं, और 6 आवश्यक होते हैं, ऐसे 36 गुण आचार्य के होते हैं। बहुत अद्भुत गुण आचार्य होते हैं, फिर कहते हैं कायत्सर करना विद्सर्ग, कायत्सर्ग अधिक करना विद्सर्ग नाम का प्रायश्चित है, चलते समय मान लो 3 इंद्रिय जीव को बाधा पहुंची है, या फिर 4 इंद्रिय जीव को बाधा पहुंच गई कभी कोई किसी चेष्टा, तो फिर
जितनी इंद्रियां हैं उसकी उतने कार्यक्षेत्र करने होंगे। फिर एक दूसरे आचार्यों की परंपरा ऐसी है कि उसके जितने प्राण हैं उतने कार्यक्षेत्र करने। तीन इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होते हैं? चतुरेंद्रिय के आठ इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय के नौ इंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय मनोबल प्राण और जो है ऐसी दस इंद्रिय। आप लोग कैसे करेंगे? वही व्रतियों के लिए है तो उसके लिए जो अलग से प्रायश्चित कई अनुष्ठान बताए व्रतों के, जो गृहस्थों के पापों का वो करते हैं, शोधन करते हैं, ऐसे कई अनुष्ठान। कोई ना कोई ऐसा व्रत आप कर सकते हैं, लब्ध विधान सिद्ध चक्र का भी एक अनुष्ठान आठ वर्षों का होता है। ऐसे कितने सारे व्रत दिए हैं गृहस्थों के पापों को धोने के लिए होता है। रुक्मिणी ने इससे पूर्व घर में जो गलती हुई थी लक्ष्मीमती ब्राह्मणी के पर्याय में, भगवान तक उसको प्रेषित होना पड़ा। फिर वही गुरु मिल गए जिन गुरु का उन्होंने अनादर किया था, तो फिर उन्होंने उनको कोई व्रत बताया और उस व्रत को करने से फिर वो बुद्धा हो गया। ऐसे और भी कई उदाहरण, एक विशालाक्षी नाम की रानी थी, उसने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था, उत्तर किया, अंत तो मुनि महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गई और फिर उन्हें क्षमा मांगी और कहा कि मेरे पाप कैसे कटेंगे। तो फिर गुरु महाराज ने उनको एक व्रत विधि बताई थी लब्धि विधान से। फिर वो विधि उन्होंने जब संपन्न की तो फिर आगामी काल में वो गणधर व्रत को प्राप्त हुई। पर संयोग कैसा था कि वो व्रत तो विधि, क्योंकि कई ऐसी विधियां हैं जिसको करने पर मिथ्या दृष्टियों को कोई श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है और फिर उसके बाद उसको सम्यक दर्शन होता है उस जीव को। ऐसे भी कई जैन धर्म की विधियां हैं जिसको करने वाले सम्यक दृष्टि नहीं है उस काल में, लेकिन वो धीरे धीरे उस पंक्ति में आ जाएंगे। ऐसी विधियां कि उनके कर्म ऐसे हैं कि उनको उस प्रकार से ला ला करके धीरे से इसमें लगा देते हैं। कितना कल्याणकारी है जैन धर्म, ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि को तुम उठा के फेंक भी नहीं बोलते, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि शब्द को इतना घृणा नहीं, कौन पैदाइश समय दृष्टि होता है। फिर बिरले जीव पैदाइश समय दृष्टि हो गए उस काल में, यहाँ क्यों जन्म लेंगे समय दृष्टि, जिस काल में न केवली है न शुद्ध केवली है और क्या दशा हो रही है जिन शासन की, इस काल में समय दृष्टि क्यों जन्म लेंगे। तो मिथ्या दृष्टियों की भी भलाई का मार्ग बताया गया। अनशन आओ मौजे आदि लक्षण मतलब, फिर जब कोई गलती ऐसी होती है जिसके लिए फिर प्रायश्चित में उपवास करना पड़ता है। इस बार कोई पिछेधारी थे, उनके पैर के नीचे कहीं भूल से कुछ पट से आवाज हुई, फिर उन्होंने जब पैर उठाया तो देखा कि बच्चा है इच्छित के लिए बने, तो एकदम पूरा शरीर काँप गया। फिर आचार्य महाराज से प्रायश्चित हो गया, फिर प्रायश्चित उपवास प्रायश्चित हो गया। फिर कभी मनोदर का भी प्रायश्चित देते हैं, कभी रस का परित्याग भी देते हैं। कोई कोई ऐसा दोष होता है तो बोलते हैं कि नहीं आज दो दिन के लिए एक रस का त्याग करते, दुख का त्याग कर देते हैं, फिर पूरे का त्याग, किसी भी एक रस का दूध के लिए त्याग कर देते हैं।
तो ये भी एक प्रायश्चित तप नाम का प्रायश्चित। फिर दिवस पक्ष मासा दिन प्रव्रज्या आतरम छेदन, कुछ दिनों के लिए, कुछ पक्षों की, कुछ दिन की और कुछ पक्ष, कुछ मास, कुछ वर्ष आदि की दीक्षा को आचार्य काट देते हैं। तुमसे ऐसी गलती हो गई है कि तुम्हारी 6 महीने की दीक्षा खंडित मानी जाएगी। तो फिर उनकी जो दीक्षा हुई है तो वहां से 6 महीने बाद से गिनी जाती है, या फिर कुछ वर्षों की अगर दीक्षा, कोई ऐसी गलती हुई है कि जिसमें कुछ वर्षों की दीक्षा का छेदन करना है, तो फिर उनको कह देंगे कि तुम्हारी 5 वर्ष की दीक्षा का छेदन हो गया। तो जो 5 वर्ष बाद दीक्षित हुए हैं तो उनसे आगे आहार को उठ सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी दीक्षित हुए हैं तुम्हारे बाद में 5 वर्ष के अंदर, उन सबसे पीछे तुम्हारा क्रम होगा आहार से उठने का, बैठने का, मंच आदि पर बैठने का जो क्रम रहता है, सारे अपने क्रम से बैठते हैं, तो उनको वहाँ बैठा। इसको छेद प्रायश्चित कहते हैं। ये आरिका के लिए वर्जित है, आरिका में ये छेद प्रायश्चित नहीं बताया गया। कुछ प्रायश्चित मुनियों में है, आरिकाओं में नहीं है। आरिका का प्रायश्चित 11 प्रतिमाधारित शुल्लक एलक शुल्लिका से ऊपर बड़ा है। आरिका के लिए इसमें और भी एक प्रायश्चित आएगा जो वर्जित है। पक्ष मासादि विभागेन दूरगम परिवर्जनम परिहारः, ये प्रायश्चित भी आरिका के लिए वर्जित है। एक पक्ष के लिए 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए संघ से बाहर रहना, संघ में नहीं आ सकता, ये प्रायश्चित होता है। इसका नाम परिहार प्रायश्चित। ये प्रायश्चित भी आरिका के लिए नहीं है। फिर पुनर्दीक्षा प्रापण उपस्थापना, फिर अंतिम जो प्रायश्चित है पुनर्दीक्षा में, पुनर्दीक्षा में आरिका के लिए नहीं है, मुनियों के लिए होता है। कौन सी गलती होती है तो पुनर्दीक्षा प्रायश्चित होती है। तो ऐसी कई गलतियां हैं जिसके लिए पुनर्दीक्षा दी जा सकती है, लेकिन एक गलती उनमें से यह है कि अगर कोई साधु ये बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो जिनेन्द्र भगवान के वचन है और वो आगम के विरुद्ध बोले, आगम का ना बोल करके वो अपने तर्क से या अपनी बुद्धि से या अपने मान्यता से बोले, तो फिर वो साधु यथाछंद नाम के दोष से दूषित माने जाते हैं। और यथाछंद दोष वाले कोई भी साधु क्यों ना, उनको पुनर्दीक्षा का प्रायश्चित होता है। और वो तैयार हो तो अगर वो प्रायश्चित न लेना चाहेंगे तो फिर आचार्य उनको छोड़ देंगे, फिर कोई संबंध नहीं है, आचार्य उनका परित्याग कर देंगे। परिहार में संघ से बाहर रखते हैं, नहीं नहीं कपड़े वाला तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं, कपड़े वाला कोई प्रायश्चित नहीं। देखो दीक्षा छोड़कर वापस लौटने के 3 मार्ग हैं। एक, जब निभाने की शक्ति नहीं रह जाती कि हमसे दीक्षा नहीं निभ रही है, ईमानदारी से हम बोल रहे हैं कि हम ऊपर से ये वेश लेकर के क्या करेंगे, हमसे नहीं पल रही है, तो वो परेशानी से हार जाते हैं तो दीक्षा छोड़ देते हैं। एक मार्ग है। दूसरा, जब राजा को साधु की प्रतिभा देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रतिभा से देश का उद्धार हो सकता है, तो साधु दीक्षा छोड़कर देश का उद्धार कर सकता है। एक दूसरा विकल्प। तीसरा, जब कुटुंब का नाश हो रहा और उसको संभालने की क्षमता केवल उनमें हो जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, तब आचार्य कहते हैं कि जाकर के तुम वो काम करके आओ, फिर देखेंगे आगे, फिर वो दीक्षा शुरू। ये 3 ही विकल्प हैं।
अच्छा शंभु सागर महाराज श्री के एक शिष्य थे, शंभु सागर महाराज 15-15 दिन उपवास करते थे। तो एक दिन गर्मी बढ़ गई उनकी, तो उन्होंने कोई ऐसा काम कर लिया जो नहीं करना था साधु। तो फिर सब समाज के लोग आचार्य श्री के पास गए कि आचार्य श्री ने कपड़े पहना। तो आचार्य श्री ने कहा कि आप लोग कैसे कपड़े पहनाओ, कपड़े तो मैं भी नहीं पहना सकता। उनका स्थितिकरण किया जाता है, उनको एकांत में रखा जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको सुधारा जाता है, न कि उनकी निंदा की जाती है, न ही उनका प्रचार किया जाता है, न उनको किसी की नजरों में गिराया जाता है। जैसे अपने कुटुंबी जनों से अगर कोई ऐसी दोष वाली स्थिति बन जाए तो क्या आप अखबार में छपवाते हैं? कभी नहीं। उसको सुधारने का ही प्रयास करते, नहीं सुधरता तो फिर बोल देते हैं कि भाई अब हमारा तुम्हारा नहीं बन सकता, अगर अलग अलग हो जाए छोड़ देते हैं। तो ये अंत के 3 प्रायश्चित कार्यों के लिए निश्चित बताया था, बाकी तो सारे प्रायश्चित होते हैं। मूलाचार ग्रंथ में 10वां प्रायश्चित और दिए हुए श्रद्धान, कोई श्रद्धा से जगमगा रहा है, प्रायश्चित में ऐसा श्रद्धान कर रहा है, कुछ प्रक्रिया है व्यवस्थित। विनय के 4 भेद बताते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। अब कई बार प्रायश्चित में आचार्य महाराज ऐसा प्रायश्चित देते, सबको एक जैसा नहीं देते। जो बहुत परिपक्व और विवेकी और अनुभवी आचार्य होते हैं वो एक जैसा प्रायश्चित नहीं देते, वो देखते हैं कि ये कौन सी श्रेणी के साधु हैं और कौन सा प्रायश्चित ये कर सकते हैं और करके अपने आप को निर्मल रहना चाहते हैं। तो सबकी दशा देख करके वो निर्णय करते हैं। और एक प्रायश्चित तो ऐसा भी है, जीत नाम का एक प्रायश्चित होता है जिसमें 70 लोग मिलकर निर्णय करते हैं, 70 निर्णय करते हैं कि प्रायश्चित ये होगा। कई विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित हैं और उन प्रायश्चितों से वो संस्कार टूट जाते हैं जो गलतियां हो रही हैं। साधु भी एक प्रकार से अपन विचार करो तो ये दीक्षा जो है ये एक प्रकार से आत्मा की अस्पताल में भर्ती होने का नाम दीक्षा। क्योंकि देखो बाकी रोगों को ठीक करने के लिए तो एक शरीर के रोगों के लिए एक अलग हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल अलग है, फिर भावनाओं को सुधारने के लिए सत्संगति एक हॉस्पिटल, और फिर आत्मा को सुधारने के लिए दीक्षा। तो उसमें कई बार अलग अलग इंजेक्शन, सबको एक इंजेक्शन मिल रहा है। अब किसी को टाइफाइड है उसको टीबी का इंजेक्शन लगेगा क्या? संभव ही नहीं। किसी को गर्दन में दुख रहा है उसको मलेरिया की गोली खिलाएंगे क्लोरोक्विन फॉस्फेट फैंसी को कैसे हो सकता? तो इसलिए शिष्यों के लिए भी ध्यान में रखने की बात है कि वो परस्पर तुलना न करें कि उसको ये प्रायश्चित दिया मेरे को ये दिया, ये पक्षपात कर रहे हैं गुरु माने, इतना इतना बड़े नहीं हो गए कि आप गुरु के जज बन गए। अपन उनको डॉक्टर मानकर श्रद्धा से आए तो जो दवाई मिले खा ले चुप जाए, शंका क्यों करते? तो फिर इससे अगर पूरी श्रद्धा से कर ले जरूर कल्याण होता है। बड़े करुणावान होते हैं आचार्य, वो जानते हैं कि किसको कैसा क्या दिया जाता है, कषाय पूर्वक नहीं देते हैं प्रायश्चित। वो देखते हैं इनकी मतलब इनकी टेंडेंसी क्या है, ये बार बार किस चीज को दोहराते हैं, कौन सी गलती इनके अंदर भारी है,
तो उसका शोधन करने के लिए वैसा प्रायश्चित है। और वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि आलोचना के 10 दोषों में से कौन सा दोष लगा है। आप कितनी भी चतुराई कर लो, उनको समझ में आ जाता है कि ये ऐसी ये चालाकी कर रहे हैं, पर फिर भी उसको दोष बताया वो प्रायश्चित न लेने की अपेक्षा से तो बेहतर है कि भाई ले तो रहा है, कम से कम मांग तो रहा है, गलती करके मांग रहा है, मांगते समय गलतियां कर रहा है, फिर उसको भी सुधारते हैं। संलिखना के समय का तो वर्णन जो आया है मरण कंडिका में, आचार्य महाराज कैसे कैसे संबोधन देते हैं उनको, तुम अगर आया पाए कथि 36 गुणों में से एक गुण ये भी है कि वो तुम्हें हानि और लाभ क्या है ये मैं बता देता हूँ और फिर तुम अपनी गलती मुझे बता देना। तुम अगर इस प्रकार से तुम अपनी गलती बताओगे, जैसे बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है, मैं कांच तोड़ करके आया हूँ या किसी का दांत तोड़ करके आया हूँ, सब बताता है। तो वैसे ही शिष्य तो गुरु के सामने जाकर बिल्कुल बालक बनकर सब बताना, फिर गुरु को भी गुरु का चयन प्रायश्चित जिनसे ले रहे हो उन गुरु का चयन करने के लिए भी पहले थोड़ा सा समय लगता है, देखना पड़ता है कि ये कभी किसी अवसर पर ये दूसरों को बताते तो नहीं है। कभी कभी बहुत दुख होता है कि हमने इतनी श्रद्धा से हमको अपने कि जो कोई नहीं जानता था वो गलती हमने इनको बता दी और हमने एक जन को और बता दी। तो पहले ये देख लेना भी आवश्यक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन लीक हो जाए ये चीज, क्योंकि लीक होना बहुत खतर, फिर पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर कोई उनके पास जाएगा नहीं लेने के लिए, क्योंकि पता है कि वो पेट में नहीं पचा सकता, वो कहीं ना कहीं उगल देते हैं उनका, तो फिर उनसे फिर प्रायश्चित नहीं लिया जाता। तो ये भी एक मूल गुण है आचार्य आचार्य के 36 गुणों में से अपरिश्रावी नाम का एक गुण है कि आचार्य महाराज अंतगत प्राण होने पर भी जिसने उनको अपने दोष बताए हैं वो दोष वो किसी अन्य को नहीं बताएंगे। तो ये बहुत सारी बातें आचार्य के 36 गुणों से कितने सारे गुण तो आए गए, बाकी तो ठीक है 10 स्थिति का भी प्रधान जो 8 गुण हैं उनमें ये सारे गुण हैं। विनय के 4 भेद हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा है, शरणानी और ग्रंथों में 5 भेद किए विनय के, एक तप को भी इसमें जोड़ा है तपो विनय, यहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार भी है। उपचार यानी वो बाह्य औपचारिकता के रूप में जो प्रवृत्ति की जाती है भाव के साथ श्रद्धा के साथ विनय के साथ, वो औपचारिक विनय है। ज्ञान की विनय ज्ञानी की विनय, दर्शन की विनय सम्यक दृष्टि की विनय, चारित्र की विनय और चारित्रधारी की विनय, और उपचार विनय यानी नीचे बैठना थोड़ी दूर बैठ करके वंदना करना और उठ कर खड़े हो जाना, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, ये सारी जो विनय होती है बाहर से जो दिखती है वो उपचार विनय, भक्ति आदि करना और विनय तप का वर्णन करते हुए मूलाचार ग्रंथ में और अन्यत्र भी विनय की बड़ी महामहिमा बताई है। विनो मुखता विनय मोक्ष का द्वार, विनय वालों की मृत्यु नहीं बिगड़ती है, उनको मरण के समय बहुत शांत भाव रहता है, विनय भक्ति वात्सल्य जिनके पास रहते हैं उनका मरण अच्छे से शांति से। फिर वैयावृत्ति के 10 भेद बताते हैं, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गढ़ कुल संघ साध मनुभ्याना,
आचार्यो उपाध्याय तपस्वी शैष्य दान गण कुल संग साधु मनोज्ञानम। आचरण की तस्मात व्रतानि इत्याचार्य वेक की परिभाषा बता है। आचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है, तपस्वी कौन है आदि है। तो जिनसे व्रतों को अंगीकार करके भव्य जीव आचरण करते हैं व्रतों का, जिनसे व्रत लेकर व्रतों का आचरण करते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो व्रत देते हैं, दीक्षा देते हैं, फिर मोक्षार्थम शास्त्रम उपेत्य तस्माद् अधीयते इत्युपाध्याय। मोक्ष के लिए जिनके समीप जाकर शास्त्र पढ़ते हैं, जो शास्त्र को पढ़ाते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी, और जो बड़े बड़े उपवास आदि करते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं। शिक्षाशील शैक्षण, सीखने का जिनका स्वभाव होता है, वे साथ नोट्स वगैरह बनाते हैं, पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो शैक्ष कहलाते हैं। फिर रुजादिक कृष्ण शरीरों ग्लान, रोग आदि से जिनका शरीर पीड़ित है उनको ग्लान कहते हैं। गण स्थिर संतति, और गण वो है जो वृद्ध साधुओं का समूह जो होता है उसको गण कहते हैं। दीक्षकाचार्य शिष्य संस्थ्याय कुल, और अपने ही गुरु के जो शिष्य हैं उनको कुल कहते हैं। वयोवृत्ति तो सबकी करनी, दसों की करनी, अकेले एक कुल की तो नहीं। कुल का अर्थ होता है अपने दीक्षा गुरु से दीक्षा, जो भी साधु है वो कुल में। फिर चातुर्वर्ण श्रवण निवह संग्रह, चतुर्वर्ण के जो श्रमणों का समूह है वो संघ है, ऋषि मुनि यति अन्य। फिर चिरप्रव्रजित साधु, पुराने दीक्षित जो है उनको साधु कहते हैं। सामान्यतः अपन सभी साधुओं को साधु कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैयावृत्त के जो 10 पात्र बताए हैं उनमें साधु शब्द का पुराने दीक्षित जो है वो साधु है। मनोज्ञ लोक संगत, और अंतिम भेद जो है मनोज्ञ, मनोज्ञ का अर्थ जो होता है लोकप्रिय है, वो मनोज्ञ। अब इसमें लोकप्रिय में उन्होंने मुनि को भी लिया है, देशव्रति को भी लिया है, अविरत समय दृष्टि को भी लिया है, और ऐसे किसी मनुष्य को भी लिया है जो मिथ्या दृष्टि होकर के भी जैन धर्म की प्रवाहना में सहायक है। उसकी भी कभी कोई मदद हो तो साधु मदद दे सकते हैं, अपनी भूमिका की होगी जो उसको मदद दी जा सकती है दे सकता। तो और उनको जब व्याधि उत्पन्न हो जाती है, उनके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, या फिर उनकी श्रद्धा जब डगमगाने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी शारीरिक प्रवृत्ति द्वारा अथवा किसी अन्य वस्तु को प्रदान करके उनकी पीड़ा को दूर कर देना वैयावृत्ति। समाध्याधान विचिकित्सा भाव प्रवचन वात्सल्याभिव्यक्ति, इससे क्या लाभ होता है वैयावृत्ति से? तो बोलते हैं कि समाधि का आधान होता है, यानी जो भी तकलीफ थी उसके कारण धर्म ध्यान भंग हो गया है, तो सेवा करने से वो धर्म ध्यान में स्थिर हो जाते हैं, फिर उनका मन शांत हो जाता है। और क्या होता है, फिर वो तो विचिकित्सा भाव, सम्यक दर्शन का एक अंग है निर्विचिकित्सा, ग्लानी नहीं करना। सेवा में ग्लानी बाधक है और सेवा ग्लानी निवारक है। तो वही बात कह रहे हैं कि वैयावृत्ति करने से ग्लानी का निवारण हो जाता है। और
क्या होता है? वात्सल्य। भैया और किसी वात्सल हो रहा, दो शिष्यों में कुछ खटपट हो गई, तो आचार्य बोलते हैं कि आज तुम इनकी भैया वृत्ति करोगे, कल ये तुम्हारी भैया वृत्ति करेंगे, और तीसरे दिन हमारे पास आना और बताना क्या शिकायत है। तो फिर वो ऐसा करके फिर आता है तीसरे दिन, बोलते हैं कि कोई शिकायत नहीं है, एकदम एकता बनाते हैं। तो ये सारी बातें अपन देखो, साधु जीवन की इतनी चर्चा अपन सुन रहे हैं, तो इसमें से कुछ गृहस्थ जीवन में जहाँ जो जिस भूमिका में है वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत अपना ले तो फिर कितना वातावरण बदल सकते हैं। अपन रूट करके एकदम तनाव पैदा कर लेते बिना मतलब, कोई बात नहीं, ठीक है, सब सबके अंदर अशांति है, तो कुछ लोग उस अशांति को बाहर निकाल कर सबको अशांत कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो अपन थोड़ा सा उनकी सेवा वेवा कर लो तो फिर उनका मन शांत हो सकता है। कई उपाय है इसमें, कितने सारे उपाय दे रहे हैं। वा मतलब अथवा किसी अन्य प्रकार से भी उनके अंदर जो पीड़ा है उसको दूर कर दो, अच्छा हो जाए, पर उसमें फिर उसकी आदत नहीं बिगड़नी। तो वो बार बार कहेंगे किसी कोई अच्छे से मालिश करता है तो फिर उसके आने पर कहता है मेरे को यहाँ तकलीफ है, ऐसा नहीं करना। जब बहुत आवश्यक हो तब ठीक है। तो इस तरह ये अंत के तीन तत्व बचे हैं, व्युत्सर और ध्यान। अंतरंग तत्व में से तीन तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ जैनम जयपुर शास्त्र।